हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम काफ़ी जगह पे पोलो फॉरेस्ट में घूम के वापस आए और अब हम तैयारी कर रहे हैं ट्रैकिंग में जाने की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप आई बटन में जाके देखिए फर्स्ट पार्ट, और बाद में यहाँ पे वापस आ सकते हैं। तो अब हम छोटा सा एक टूर कर लेते हैं इस रिसोर्ट का। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले जब यहाँ पे हम जाएंगे तो ये है छोटा सा जिम। इसके अंदर कार्डियो वर्कआउट्स और फुल बॉडी वर्कआउट्स भी आप कर सकते हो। तो अगर आप जिम एंथू हो और आपको एक भी दिन जिम स्किप नहीं करना है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आके अपना डे फुल कर सकते हो। यहाँ से चल के अगर हम लेफ्ट साइड सेकंड रूम में जाएंगे तो वहाँ पे गेम्स एरिया है, जहाँ पे छोटे से बड़े हर एक के लिए गेम्स है। तो आप वहाँ पे पिंग पोंग या पूल या और गेम्स खेल सकते हो। यहाँ से हम बाहर निकल के थोड़ा और आगे जाएंगे तो इसके बाजू में जो ये हॉल दिया गया है, जो आपको दिख रहा है इसकी एग्जैक्टली साइड में, यहाँ पे परियर हॉल है। इसका नाम परियर हॉल दिया गया है, जो कि एक बैंक्वेट हॉल है। और यहाँ पे स्विमिंग पूल दिया गया है, जो हमको बहुत ही मन था स्विमिंग पूल में जाने का, बट ड्यू टू मेंटेनेंस हम नहीं जा पाए। यहाँ पे अगर थोड़ा आगे आके जाएंगे तो यहाँ पे बनियन ट्री नाम की इनकी रेस्टोरेंट है, जहाँ पे हम रात को वैसे भी डिनर करने आने वाले हैं। यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड पे जाए तो माउंटेंस आपको सामने दिखेंगे और बाजू में इसके विलाज है। विलाज का व्यू पॉन्ड का, यहाँ पे पॉन्ड बनाया गया है, पॉन्ड और माउंटेन का पूरा व्यू आता है और पीछे बालकनीज भी है। अच्छा, तो हम वहाँ से निकल के यहाँ पे सन टेम्पल पे आ गए। थोड़ी सी ही दूर है, अपने रिसोर्ट के पास ही है ये। यहाँ पे सूर्य मंदिर जिसको कहा जाता है, ये पूरा एबेंडेंड है। यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, मेनली टूरिस्ट ही आते हैं देखने के लिए। इसका आर्ट, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में मंदिरों के बारे में बताया गया था कि यहाँ पे कोई ज़्यादा मेंटेन करता नहीं है मंदिरों को। यहाँ पे आप जाके सिर्फ वॉन्डर कर सकते हो एज अ टूरिस्ट, और सिर्फ आर्ट यहाँ पे देख सकते हो, और ज़्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं। तो ऐसे अराउंड 32 मंदिर्स है, टेंपल्स है ये एरिया के अंदर, जहाँ पे आप यहाँ पे आके आप देख सकते हो। अच्छा, तो वहाँ से निकल के थोड़ा सा आगे जाते ही एक गंगा माता का टेंपल है, उस तरफ हम जा रहे हैं। और वहाँ पे एक ट्रैकिंग साइट है छोटी सी, तो हम वहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक करेंगे। और ये हमारे साथ जो आपको दिख रहे हैं वो, उनका नाम है डीपी चौहान, जो हमको फन रिसोर्ट से ही मिले हुए हैं। और ये यहाँ पे 10-12 साल से इसी जगह पे रहते हैं, तो इनका काफ़ी कुछ नॉलेज है। तो हमने सोचा कि इनको साथ में ले चले ताकि हमको ये थोड़ा घुमा सकें। तो हम थोड़े ही आगे जाके यहाँ पे जो ये बताते हैं कि जो हम घर पे अचार बनाते हैं उनके फल खट्टे मीठे जो होते हैं वो हमें ये चखाने वाले हैं, और छोटे मोटे और फल भी हैं जो हमें ये दिखाने के लिए ले जा रहे हैं ऊपर माउंटेन्स पे। तो मैं आपको हॉनेस्टली बताऊं तो हमसे ज़्यादा मज़ा इनको आ रहा था। ये जो भाई साहब है हमारे साथ आए हुए, उनको हमसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि ये बहुत एक्साइटेड थे हमको नई नई चीज़ें दिखाने के लिए। ऐसे एंथू लोग जो होते हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद है कि अपने आप सब अलग अलग चीज़ें दिखाने के लिए इतने एक्साइटमेंट से हमको दिखाते हैं और खुश होकर दिखाते हैं। ये जो फल उन्होंने हमको थोड़े तोड़ के दिए, वो खट्टे मीठे ये अचार में यूज़ होते हैं, जो हम धो के सीधा भी अगर खाना हो तो आप खा सकते हो इसे। और छोटे छोटे काले बॉस जैसे भी जो छोटे थे, जिसको गुजराती में ये लोग बोलते हैं करमदा, तो करमदा के ये सब झाड़ है, पेड़ है सब,
जो गुजराती में इसको जाड़ कहते हैं, तो ये हमको तोड़ तोड़ के दिखा रहे थे। जो आप यहाँ पे अब पानी देख पाओगे, ये पानी, ये बहता हुआ पानी है जो ऊपर माउंटेन से धीरे धीरे आता है। जो रेन होती है एवरी ईयर मॉनसून्स में, ये रिजर्व हो जाता है माउंटेन के अंदर पानी, और ये धीरे धीरे नीचे आता रहता है। ये बहुत ही फ्रेश वाटर है, आप इसको सीधा सीधा पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिल्टर जैसा ही पानी है ये, और बहुत ही प्योर है। इसको ये गंगा माता का पानी बोलते हैं ये लोग। और यहाँ पे ट्रीज़ भी बहुत पुराने पुराने ट्रीज़ हैं। यहाँ पे ट्रीज़ के अंदर ही एक छोटी सी केव जैसा है, ट्री है पूरा। ये 25 to 30 feet जितना वाइड है और 100 feet जितना हाई होगा। तो ये शायद 100 feet से काफ़ी ऊपर भी हो सकता है। ये यहाँ पे हाइना, बेयर्स, ये सब आते रहते हैं यहाँ पे रात के टाइम पे, जो ये हमको दिखा रहे थे। और आगे जैसे हम बढ़ेंगे, मैं आपको दिखाऊँगा कि कहाँ से ये वो पानी आता है। और ये आप देख रहे हो वो अंजीर है, अंजीर ये हमको तोड़ के दे रहे थे। तो बहुत सारे अलग अलग फ्रूट्स हैं और चीज़ें हैं यहाँ पे। ये आप देख रहे हो जो गंगा माता का ये टेंपल है, जहाँ ये जो है वो पॉन्ड, वहाँ से ये ऊपर से पानी आता है। ये बहुत ही फ्रेश वाटर है और ये सीधा जाता है मंदिर के अंदर। और मंदिर के वहाँ पर पूरा पॉन्ड जैसा बनाया गया है, जहाँ पर पूरा गाँव यहाँ से पानी ले जाता है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि कैसे पानी जा रहा है। आप देखिए और इसका साउंड को फील करिए। सो एज यू कैन सी, ये पानी बहुत ही फ्रेश है। यू कैन ड्रिंक इट डिरेक्टली फ्रॉम हियर, सो देयर इज नो हार्म इन दिस। ये डबल फिल्टर ऑलमोस्ट किया गया पानी है, सो इससे फ्रेश आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे रेड फेस्ड मंकी बहुत घूमते हैं, जिसको हमने बाद में केले भी काफ़ी खिलाए थे। तो आप हाथ से मत खिलाना, इसको दूर रख देना, अपने आप आके ले जाएंगे, नहीं तो बहुत सारे अगर इकट्ठा हो गए तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके गाइस, सो हम अब वहाँ से निकल के एक जान पहचान के हमारे हैं, जो जिनका ये फार्म है पूरा, जहाँ पे हम आए हैं, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और बहुत फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये उगाते हैं। अराउंड 45 acres का ये फार्मिंग करते हैं एवरी ईयर। तो बहुत ही अच्छा और ऑर्गेनिक है यहाँ पे, कोई केमिकल यूज़ नहीं किया जाता इनके फार्म पे। तो हम लेके निकले और सीधा पहुँचे अपने रिसोर्ट पे, जहाँ पे ऑलरेडी रात हो चुकी थी। तो हमने सोचा कि अभी डिनर करके सीधा हम सो जाएंगे और सुबह देखेंगे क्या करना है। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं अभी डिनर करने के लिए। और ये हमारा डिनर है जो हमने किया उस वक्त। और फिर सीधा, हमारे में कोई ताकत नहीं थी, कोई स्ट्रेंथ नहीं थी अभी और घूमने की, तो हम सीधा जाके वहाँ पे सो गए। तो हम मिलते हैं वापस ब्रेकफास्ट के टाइम पे। सो ये हमको व्यू मिला सुबह को जब हम उठे, और हम यहाँ से अभी गए सीधा ब्रेकफास्ट हॉल की तरफ। बट आप व्यू अगर देखो आजू बाजू, और जो आवाज़ सुनो चिड़िया की, बहुत ही अच्छी आपको फीलिंग देती है सुबह सुबह। और इतना लश ग्रीन है, माउंटेंस है आपके सामने, सो इट्स वंडरफुल टू स्टे हियर ओवरऑल। तो चलिए हम बढ़ते हैं ब्रेकफास्ट हॉल की तरफ।
इसके बाद हमने चेकआउट किया और हम निकल गए अहमदाबाद की तरफ। उससे पहले हम वो फार्म में वापस जाने वाले हैं फ्रेश वेजिटेबल्स पिक करने के लिए, तो हम वहाँ पे जाएंगे और फिर हम निकलेंगे सीधा अहमदाबाद की तरफ। यहाँ पे आप जो देख रहे हो वो है टर्मरिक। ये टर्मरिक को मशीन में डाल के अभी ये सीधा फार्मिंग में ले जाएंगे और फार्म करेंगे। यहाँ पे सामने आपको दिख रहा है वो है आम के पेड़ जो इस साल के इन लोगों ने लगाए हुए हैं। ऊपर कोकोनट के पेड़ है और यहाँ पे जितनी भी आप ज़मीन देख पा रहे हो वो सब इनकी ज़मीन है जहाँ पर ये फार्मिंग करते हैं। आप देखिए कितने बड़े बड़े लेडी फिंगर और मिर्चियाँ यहाँ पे उगती हैं। ओके, तो हम अब अहमदाबाद की ओर निकल चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब दीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। जैसे ही हम घर पहुँचे हमें ये मिला। Oh!